अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ताहिरा अब्दुल्ला व्लॉग्स। जो आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी कोई बात नहीं, वो आज की वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो आज की वीडियो है वो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सोदिया एज अ नर्स। जो सोदिया में मूव कर रहे हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उस टॉपिक पे बात होगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों से। जस्ट लाइक पाकिस्तान में जो रहते हैं उनको पता है कि सोदिया में, पाकिस्तान में आप जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि नर्सिंग है उनके लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है, इंजीनियर्स के लिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है। इसी तरह सोदिया में भी एक काउंसिल कह सकते हैं, या फिर उसको आप कह सकते हैं एक अथॉरिटी है जो इसको डील करती है, जिसका नाम है SCHFS, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसको इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन है, इसका फुल नेम क्या है, वो है सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़, ठीक है। इनमें सारी जो है वो हेल्थ केयर्स आ जाते हैं जो इनको डील करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे आने से पहले यहाँ पर रजिस्टर होना पड़ता है यहाँ पे। तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हम बताएंगे आज आपको, ठीक है। तो इसमें रजिस्टर होने के लिए आपको पहले 4 स्टेप्स कवर करने पड़ते हैं, तब आप रजिस्टर होते हैं। कौन से 4 स्टेप्स हैं वो हम आपको आगे जाके फर्दर वीडियोज़ में इन डिटेल बताऊँगी, लेकिन आज मैं आपको मेन आइडिया बता दूँगी कि कौन से 4 स्टेप्स हैं। कौन सी 4 चीज़ें हैं, डाटा फ्लो है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना मुमारिस प्लस आपको चाहिए होती है, आपको प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और चौथा जो होता है प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ते हैं। जो डेटा फ्लो क्या चीज़ है, डेटा फ्लो जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करेगा। वेरीफाइड करने के बाद ये हमें FHS में देगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद जाएंगे, फिर वहाँ से हम जो है अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने में डाटा फ्लो में अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमें रिपोर्ट इशू होती है तो वो फिर हमने ऐड करनी होती है मुमारिस प्लस पोर्टल पर जाकर, ठीक है। और उसके लिए आपको एक ईमेल चाहिए होगा, एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा, ठीक है। फिर वहाँ से आपको एक एलिजिबिलिटी नंबर इशू किया जाएगा। जब वो एलिजिबिलिटी नंबर इशू होगा तो फिर 3rd स्टेप आ जाएगा जो है प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। वो एलिजिबिलिटी नंबर हमारे पास होगा तो ही हम जो है प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के लिए वैलिड के लिए हम अप्रूव हो जाएंगे, मतलब कि हम जाके दे सकते हैं अगर हमारे पास वो एलिजिबिलिटी नंबर होगा। तो जब एलिजिबिलिटी नंबर हमें मिल जाएगा तो फिर हम प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। फिर एग्ज़ाम की तैयारी, और वो एग्ज़ाम जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि अभी थोड़ा उन्होंने टफ कर दिया है कि आपको 70% जो है वो मार्क्स लेने पर क्लियर करना पड़ता है, और आप 3 टाइम्स दे सकते हैं तो आपको वो लाइसेंस मिलेगा। जब आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम दे देंगे तो समझ लेंगे आप रजिस्टर्ड हो गए हैं SCFHS में, ठीक है। जब आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे फिर उसके बाद आपकी क्लासिफिकेशन होगी, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं 4 स्टेप्स हैं। तो हमने जो बात की थी कि भाई हमने जो मेन हमारा आज का टॉपिक था वो था डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे फॉर सऊदिया अरब एज अ नर्स। तो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैं बैचुलर डिग्री, जिसके लिए या बैचुलर डिग्री हो जाए आपकी नर्सिंग में, या अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो इट्स ओके। सेकेंड जो होगी हमारे पास होगी वो होगी एकेडेमिक ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम मार्कशीट भी कहते हैं, जो फेडरल बोर्ड से अप्रूवल होगी, ठीक है, जहाँ जहाँ से भी आपने की है वहीं से होगी। नंबर 3 जो है वो हमारे पास है नर्स लाइसेंस। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या फिलीपींस में है, तो वहाँ का एक लाइसेंस होता है नर्सिंग लाइसेंस, वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नंबर 3 जो है वो आ जाता है हमारे पास। नंबर 4 एक्सपीरियंस लेटर, आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, कम से कम भी आप उस टाइम इन वर्किंग टाइम प्रेजेंट होने चाहिए उस हॉस्पिटल में, उस मेडिकल सेंटर में, ताकि जो है वो एक्सपीरियंस लेटर आपका वैलिड हो, ठीक है। नंबर 5 आ जाता है हमारे पास पासपोर्ट की कॉपी। ये 5 चीज़ें होंगी तो आपका जो है आगे फर्दर स्टेप, फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होगा आपका मूव होने का सऊदी अरब में। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आगे जाके आपको फर्दर वीडियोस जो हैं वो इन डिटेल में मैं बताऊंगी कि डाटा फ्लो क्या चीज़ है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप एजेंसी के थ्रू आना चाह रहे हैं
तो आप एजेंट को भी दे सकते हैं, एजेंसी को भी दे सकते हैं, व्हाट्स सो एवर। लेकिन मेरे आपको यही पर्सनल व्यू रिव्यू होगा कि आप कोशिश करेंगे ये सारा कुछ आप खुद करें, ताकि आपको पता हो कि आपने जो काम किया वो वैलिड है और आप कॉन्फिडेंटली मूव कर सकें, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डाटा फ्लो के बारे में भी बताऊंगी, मुमारिस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी नंबर आपको कैसे मिल सकता है वो भी बताऊंगी, प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है वो भी बताऊंगी, उसकी जो है कौन कौन से PDF, आप 2-3 PDF हैं वो आप कर लेंगे तो आपको 50% जो है वो आप एग्ज़ाम पेपर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये सारी चीज़ें वन बाई वन मैं एक वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों की, तो आप लोगों ने काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर करें और लाइक करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।